सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 15 मई है और दिन है रविवार। जैसा कि कल आपसे निवेदन किया था कि आज एक चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर, कि गेहूं में जो सरकार ने निर्यात के ऊपर रोक लगाई है उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है आगे, और चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। जितने भी साथी जुड़े हो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज लाइव शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का शायद इशू है। कोई साथी अगर हाँ जी, लाइव हो गया मेरे ख्याल से। तो साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। 15 मई दिन रविवार, आज मंडियों के अंदर कारोबार बंद था, आज मंडियों के अंदर कारोबार नहीं होता है। बलविंदर सिंह जी संधू साहब ने वीडियो शेयर की है, आपका धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं भाई, वीडियो को आगे बढ़ा दें। और एक खास निवेदन IGNP के किसानों से कि कल भाई विजयनगर के अंदर घिराव कर रहे हैं SC का, आप सारे साथी वहाँ जरूर पहुँचना, और जितने भी IGNP के किसान हैं सूरतगढ़ अनूपगढ़ ब्रांच के, सारे साथी कल वहाँ पहुँचना, ताकि जो है नहर के अंदर पानी जो है सिंचाई जो के अपन लोग ले सकें। पहली सूचना। दूसरी सूचना, मौसम का काफ़ी साथी पूछते हैं, कल और परसों टेम्परेचर डाउन जाना चाहिए ऐसी उम्मीद है, और परसों या फिर कल शाम से परसों तक जो है उम्मीद है कि एक कुछ जगहों के अंदर अपने जैसे राजस्थान हरियाणा पंजाब की कुछ जगहों के अंदर थोड़ा बहुत बूंदाबूंदी जो है हो सकती है। ये है मौसम की जानकारी। अब पुनः आपसे निवेदन, ओम प्रकाश जी आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन कि आप सब साथी वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं। चर्चा करेंगे सबसे पहले ग्वार पर। ग्वार के लिए काफी साथियों के फोन आते हैं, सारे एक ही चीज पूछते हैं कि भाई ग्वार के अंदर तेजी नहीं बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, और ग्वार के अंदर तेजी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी या कब तक बढ़ेगी। खैर, वो एक अलग विषय है। पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों, आप सब लोगों ने देखा ही होगा आज कि काफ़ी लोगों को दिक्कत है मेरे यहाँ भाव बताने से, मार्केट की जानकारी देने से, दूसरी मंडियों की जानकारी आप तक पहुँचाने से। तो पुनः आपसे, हालांकि मैं बहुत कम परवाह करता हूँ, खैर फिर भी आपसे निवेदन है कि भाई सौदा आपको अपने विवेक से करना है। किसी साथी को वीडियो अच्छी नहीं लगे, बड़ी अच्छी भाषा में आप लोग बता सकते हैं, और आप लोग का अगर मन है तो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जो लोग जिनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ज़्यादा परवाह तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप सबसे निवेदन है मेरा कि मेरा काम आप सबको जानकारी देना है, आपको मार्केट की स्थिति बताना है, आपको मंडियों के भाव बताना है, और आपका फ़ायदा करना है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज ये है कि मैं आपका फ़ायदा करूँ। खैर, फिर भी अगर किसी साथी को ये लगता है तो वो अपना ऑब्जेक्शन जो है दर्ज करा सकता है, और सभ्य भाषा में दर्ज करवा सकता है। अगर कोई साथी ऐसी वैसी भाषा यूज करेगा तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, गांव में जन्मा हूँ और गांव में बड़ा हुआ हूँ, और गांव वाले फिर आपको पता ही है, भाषा आप सब साथी जानते हैं। ये उन साथियों के लिए थी जिनको पीड़ा है। खैर, पुनः आप सबका स्वागत है। ग्वार के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, ग्वार के अंदर ऐसा है साथियों, काफ़ी साथियों का फ़ोन आया था, कल एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मेरे को सीड के लिए ग्वार 6500 रुपये तक ले रहे हैं, जो सीड तैयार करते हैं, जो बीज तैयार करते हैं। तो असल के अंदर बाजार की जो स्थिति थी वो अभी 6100 रुपये की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे से सीड के लिए जो है 6500 रुपये ग्वार मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार से वो 500 रुपये ऊपर मांग रहे हैं तो उनको ग्वार के अंदर जो है तेजी लग रही है, जो सीड तैयार करते हैं उनको। अब चर्चा करते हैं कि ग्वार का भाव क्यों नहीं बढ़ता। मैंने पहले भी एक दिन बताया था, आज भी बता रहा हूँ, गेहूं के ऊपर अपने एक चर्चा करेंगे, अच्छी आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ाते रहना और ग्रुपों में शेयर कर देना, और साथी जुड़ जाएंगे, फिर अपने जो है गेहूं की चर्चा करेंगे। देखिए, ग्वार के अंदर किसानों के पास ग्वार काफ़ी है, काफ़ी किसानों के पास काफ़ी सालों का ग्वार पड़ा है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। किसानों के पास 200 क्विंटल, 400 क्विंटल, कुछ किसानों के पास हो सकता है 500 क्विंटल भी ग्वार हो, लेकिन वो बहुत कम किसान हैं। लेकिन व्यापारियों के पास भी ग्वार पड़ा है। अब होता क्या है, जब ग्वार के अंदर मंदी आती है, जैसे मान लीजिए पीछे 2-4 दिन 5 दिन ग्वार 5800-5700 बिका था, उस समय
व्यापारी लोग ग्वार को पिक करते हैं, ग्वार को खरीदते हैं। जैसे ही भाव 6500 की ओर अग्रसर होते हैं तो फिर ही अपना माल जो है निकालना चालू कर देते हैं। वैसे भी बहुत स्टॉक पड़ा है इनके पास ग्वार का, उस स्टॉक को भी निकाल रहे हैं। इनका दड़ा जो है वो 6000 का ही है, लेवल जो इनका जो एक सेलिंग लेवल है वो इनका 6000 का ही है। फिर क्या होता है, फिर ग्वार डाउन चला जाता है। होता है ये कि जब ग्वार तेज तेज जा रहा होता है तब किसानों के मन में ये आता है कि यार और 100 रुपये बढ़ जाए, और 200 रुपये बढ़ जाए, 7000 से कम तो क्या बेचें, इतने साल से मार के रखा है। कुछ भाइयों का तो दड़ा भी 7000 से ऊपर पड़ा है ग्वार का। कुछ भाइयों ने जब वो पीछे ग्वार के भाव बढ़े थे, सरसों दे के और ग्वार खरीद लिए थे, उनके तो बहुत ऊंचे दड़े हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो किसान तेजी में बेच नहीं पा रहा ग्वार को, और ये लोग जो सस्ता, जैसे मान ली जिसने 5700-5800 में ट्रेड किया है, वो लोग ग्वार को बेच लेते हैं। आगे जैसे ही 6000 से ऊपर निकलते, 6200-6300-6400 जैसे भी इनको सूत लगता है, ये जो है अपना ग्वार वहां से निकाल रहे हैं। तो ये एक समस्या आ रही है ग्वार के साथ। फंडामेंटल ग्वार का मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम से बड़ी तेजी ग्वार के अंदर बनना मेरे को जो है मुश्किल लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा रुख पॉजिटिव हो जाए ये जो अगला सप्ताह आएगा। वैसे तो उम्मीद ये है कि काफी सभी फसलों के अंदर थोड़ा बहुत फंडामेंटल अगले सप्ताह में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पिछला सप्ताह बुरी तरह से पीटा था फसलों के भाव के मामले में। तो ग्वार के साथियों के लिए यही खबर है कि कोई बहुत बड़ी एकदम से तेजी तो नहीं आ सकती, वही 20-30 रुपए करके, 40 रुपए करके आपको एक बार थोड़ा बहुत जो है सुधार ग्वार के अंदर साथियों देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर, लेकिन समय लग सकता है। लेकिन पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि व्यापारी अपना माल निकाल लेते हैं उस टाइम, जिस टाइम उन लोगों ने नीचे से ग्वार पिक करके और ऊपर जाके वो अपने जो उनका सेलिंग पॉइंट, एक उनका सेलिंग टारगेट होता है, वहां पे जाके वो अपना माल साथियों निकाल रहे हैं। इसी वजह से ग्वार के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी एकदम से तेजी साथियों नहीं बन रही है। बात करते हैं साथियों गेहूं के ऊपर। देखिए गेहूं के अंदर सरकार ने जो निर्यात बंद किया है, बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर थी वो किसानों के लिए। तर्क बड़े अजीब दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में थी, फिर कहा जा रहा है कि पड़ोसी जो देश है उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में थी। लेकिन 3 दिन पहले एक डेलीगेशन तैयार किया गया था जो कि 8-9 देशों में जाके उनको ये बोला गया था कि 8-9 देशों के अंदर जाके आपको तय करना है कि हम लोग किस किस देश को कितना कितना निर्यात करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही फिर वो कहानी जो है और हो जाती है और निर्यात के ऊपर जो है गेहूं के रोक लगा दी जाती है। असल के अंदर देखिए इससे त्रस्त हुए किसान, इस बात में कोई शक नहीं है। एक लॉजिक और दिया जा रहा है कि आटे के अंदर जो आटे का जो भाव है वो पिछले 12 साल से अपने हाई के ऊपर है। ये भी एक जो है तरीका, एक जो सरकार जो है कारण बता रही है। और कहा ये जा रहा है कि आटे का भाव पिछले कुछ सालों से 40% बढ़ा है, 1-2 साल में 40% बढ़ा है। लेकिन उसके उलट मैं आपको बताऊं तो गेहूं का भाव मात्र 6-7% बढ़ा है। ये भी एक विडंबना है, ये भी एक, देखिए अगर गेहूं का भाव सिर्फ 6% बढ़ा है तो आटे का भाव अगर 40% बढ़ा है, 40-42%, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण किसान नहीं है। देखिए गेहूं से आटा निर्मित होता है, लेकिन आटा जो निर्मित होता है उसके अंदर बिजली भी लगती है, उसके अंदर लेबर भी लगती है, उसके अंदर और संसाधन भी लगते हैं, वो सारी चीजें महंगी हुई हैं। तो उसके लिए किसान को दोष देना या गेहूं को दोष देना ये बिल्कुल कहीं भी जो है वाजिब बात नहीं है। ये एक बड़ा एक गलत धारणा है। हालांकि सरकार ने पुनः कहा कि हम लोग जो गेहूं दे रहे हैं, जो गेहूं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको कर रहे हैं, उनकी हमें बहुत चिंता है और उनकी चिंता के कारण जो है हम लोगों ने इस गेहूं के निर्यात को बंद किया है। बड़े सालों बाद एक उम्मीद बनी थी कि गेहूं का रेट कुछ थोड़ा बहुत और सुधार हो सकता था, जैसे वो अमूमन मानो 2200-2300 चल रहा था और उम्मीद थी कि 2500 तक इधर चला जाता भाव, लेकिन वो अब जो है थोड़ा सा एक बार टारगेट दूर लग रहा है। हो सकता है सरकार आने वाले समय में खोल दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगी वो ये लगी कि इस निर्यात को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया। अब ये सोचने वाली बात है, एक आप सब भी दिमाग पर थोड़ा जोर देके सोचना, निर्यात के अंदर ये बोला गया है कि कुछ जो लोग हैं वो लोग निर्यात कर सकते हैं, जिन लोगों ने सौदे किए हैं वो लोग भी निर्यात कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार की देखरेख में निर्यात करेंगे।
यानी कि जो जिनसे तो सरकार की ठीक सेटिंग है वो लोग तो कर लेंगे, जिनसे मान लीजिए नहीं है तो उनको फिर दिक्कत ही है। पड़ोसी राज्यों को कुछ हद तक कर सकते हैं, ऐसा कहा कि कुछ पड़ोसी राज्यों को करेंगे। उसके अंदर एक चीज और कही गई है कि जो गरीब देश हैं उनकी भी जो है जो डिमांड है उनको भी उसका भी जो है ख्याल रखा जाएगा। अब मीडिया के अंदर तरह तरह की खबरें आज सुबह से, क्योंकि मीडिया को तो ऐसा मसाला चाहिए होता है किधर भी कोई किसानी के खिलाफ इनको मिल जाए तो फिर इनके वारे न्यारे हैं। बार बार एक ही खबर चलाई जा रही है कि क्यों नहीं जून जुलाई तक जो है इसको निर्यात को जो है रोके रखा जाए, तब तक देश के जो है वो भंडारण क्षमता वो पूरी हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा की जो डर है, एक पैनिक है, एक जो क्राइसिस है वो दूर हो जाएगा, उसके बाद निर्यात खोला जाए। लेकिन उसका नुकसान ये कि किसान लोगों के पास तब तक बहुत कम गेहूं बचा होगा, इस बात में कोई दोराय नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, अगर तब तक भी रहता है तब तक भी किसान का नुकसान। साथियों आज ही बात करें तो काफी साथियों ने किसानों ने जो है गेहूं लोड कर लिया, उनको ये लग रहा है कि कहीं यार बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ जाए, एमएसपी से ऊपर ही बिक रहा था अब तक, तो अब आगे कल के बाद जो है अपने को पता चलेगा कि क्या आगे जो है इसकी सेटिंग बैठती है गेहूं की, कितना फर्क जो है पड़ता है। हालांकि फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ा भी है और फर्क जो है पड़ता भी लग रहा है गेहूं के अंदर। फिर सबसे एक चीज और थी कि इस बार जो उत्पादन जो यील्ड था गेहूं का वो भी गिरा था, पिछले साल की तुलना में 50 लाख मैट्रिक टन इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ था, ये भी एक सच्चाई है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसके उल्ट अगर बात करें तो व्यापारियों का क्या मत है, जो आज व्यापारियों की मैंने स्टेटमेंट सुनी, मैं टीवी बहुत कम देखता हूं मेरी आदत है, लेकिन आज देखना था क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मीडिया का लेवल क्या है किसानों के लिए। तो व्यापारी लोगों की स्टेटमेंट भी वहां सुनी तो उन्होंने भी ये बोला कि हमारे पास तो हम लोगों ने गेहूं खरीद लिया था और हम लोगों ने गेहूं खरीदा था निर्यात करने के लिए कि निर्यात करेंगे और फिर दोबारा और खरीद लेंगे, लेकिन अब इस स्टॉक ये जो निर्यात के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है, जो गेहूं को सरकार ने फ्री कैटेगरी से निकाल के प्रतिबंधित कैटेगरी जो है उसके अंदर शामिल किया है, तो फिर उससे वो उनके भी जो सौदे वो भी रुके हैं और उनके सौदे रुकेंगे, अब उनके सौदे नहीं निकलेंगे तो फिर वो और जो गेहूं है वो कैसे खरीदेंगे। हालांकि अभी स्टॉक लिमिट नहीं लगा, ये एक ठीक बात है, अगर स्टॉक लिमिट लग गया तो थोड़ा बहुत और नुकसान किधर ना किधर गेहूं को हो सकता है। साथियों रशिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल उसने प्ले किया, जो सरकार ने ये जो है एक्शन लिया है। ठीक है, सरकार है, देश चलाने की चिंताएं होनी भी चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी होती है कि देश को जो देश के नागरिकों को जो है ठीक जो है भाव में सामान मिले, लेकिन फिर बात वही है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया आपने, सोयाबीन के तेल के आयात शुल्क को खत्म कर दिया आपने, सरसों नरमे के आयात शुल्क को आपने खत्म कर दिया, लहसुन प्याज जो बाकी जीरा है उनके ऊपर अभी तक कोई आपने कदम नहीं उठाया, डीजल पेट्रोल दुनिया भर का महंगा है, तो गैस दुनिया भर की महंगी है, या तो अगर कंट्रोल करना है तो फिर सभी चीजों के ऊपर काम किया जाना चाहिए। लेकिन खैर अभी हाल फिलहाल तो भाई गेहूं के ऊपर ही किया है, और ये एक थोड़े दो तीन दिन पहले प्रधानमंत्री जी की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी भाषा में कहा था कि भारत जो है वो दुनिया का पेट भरेगा इस साल, लेकिन अब वो पेट कैसे भरेगा क्योंकि निर्यात तो हम लोग कर नहीं रहे। तो एक दो दिन के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब एकदम से जो है निर्यात को रोका गया है गेहूं के। 95 से लेकर 1 लाख मैट्रिक टन की टोटल उत्पादन की उम्मीद है इस बार देश के अंदर, और 8 साल की हाई जो गेहूं का मॉडल है 4 रुपए तक महंगा हुआ है, ये भी एक आंकड़ा है, इसके ऊपर भी गौर करने वाली है। 2150 से लेके 2500 ऊपर का अंदर अगर अपने औसत माने तो गेहूं बिका था, जो गेहूं अब एमएसपी के इर्द गिर्द ही घूमता आपको नजर आएगा। आज एक सरकार के मंत्री का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हम लोगों ने जो गेहूं खरीदा है, मतलब कि जो सरकार ने गेहूं स्टॉक किया है वो स्टॉक भी एमएसपी से ऊपर खरीद के किया है। पता नहीं ये कैसी स्टेटमेंट थी, क्योंकि एमएसपी से ऊपर सरकार कैसे खरीद लेगी, सरकार ने तो एमएसपी के ऊपर ही खरीदा है और बहुत कम किसानों ने बेचा है, दड़े का जो गेहूं था वो ही बिका है सरकार को, बाकी खरीद इस बार जो है ज्यादा नहीं हुई। असल में एक चीज और थी, अब जो जब गेहूं बिकेगा, अब जब कल से गेहूं का जो व्यापार होगा, पूरी दिशा तो खैर उससे तय होगी कि कितना फर्क और रहता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर गेहूं का क्राइसिस है,
इस बात में कोई शक नहीं है। सभी देशों के अंदर क्राइसिस है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं खास करके उनके अंदर तो है, क्योंकि वही कहानी थी जो जो भारत के अंदर एकदम गर्मी पड़ने से गेहूं की यील्ड गिरी थी, वही चीज थी। और जून तक मान लीजिए या जुलाई तक ये निर्यात रुका रहता है तो किसानों को इसका डेफिनेटली नुकसान होगा, बिल्कुल इसको इसका जो उल्ट जो है असर पड़ेगा किसानों के ऊपर। काफी किसान भाई जो है गेहूं रोक के बैठे थे इसी चक्कर में कि शायद गेहूं तेज होगा, गेहूं कुछ साथियों की स्टेटमेंट ऐसी थी कि 3500-4000 भी होगा। हालांकि मैंने तो आपसे हमेशा निवेदन किया था कि गेहूं के अंदर बड़ी तेजी इस बार साथियों नहीं बनती लग रही, क्योंकि रशिया और जो यूक्रेन का जो 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 वो देश है, वो दोनों देश गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक हैं। खैर वही है कि जो फ्री की कैटेगरी वाला जो अभी पहले इसके अंदर निर्यात का पोजीशन थी, वो उसको प्रतिबंधित कैटेगरी के अंदर जो है अब लाया गया है। दिक्कत ये है कि जो खाद्य सुरक्षा से लोग जुड़े हैं 20-25% लोग होंगे, उनको बचाने के लिए अब 70% किसानों को मारा जा रहा है। मैं देखिए मैं फ्री राशन के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, सरकार की पॉलिसी जो होती है सभी सरकारों की पॉलिसी होती है और गरीब के मुंह में अन्न जाना भी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन यार उनके चक्कर में अब किसान को मारना ये भी एक वाजिब बात नहीं है। ये भी एक ये रात भी मैंने इस बात पे चर्चा की थी, ये भी एक नुकसान है कि सरकारें और व्यवस्था कर सकती हैं, सरकार कोई एक अल्टरनेट निकाल सकती थी ताकि जैसे हालांकि सुना था कि बीच में जो खाद्य सुरक्षा वाला गेहूं उसके अंदर 60% कटौती करने का सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक सरकार का आया नहीं है गेहूं के बारे में, और ये स्टेटमेंट आ गई कि हम लोग निर्यात के ऊपर जो है रोक लगा रहे हैं। अब इस जो निर्यात के ऊपर रोक लगाया है उसके पैमाने क्या है, उसके मापदंड क्या है, वो पूरी जो क्लैरिफाई है बात, उसको जो जस्टिफाई बात को बिल्कुल कल करेंगे, क्योंकि कल उसकी पूरी जो एक उसका पूरा जो है चिट्ठा खुलेगा जब बाजारों के अंदर जो है काम का चालू होगा, और अपने को ये भी आइडिया होगा कि बाजारों के अंदर कितना नुकसान जो है गेहूं के अंदर होता है, क्योंकि पैनिक काफी क्रिएट हो गया है, इस बात में कोई दोराई नहीं है, पैनिक जो है काफी क्रिएट हो गया। साथियों एक एक शेयर का बटन दबाते जाना। असल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा कोई फर्क नहीं था, 50 लाख टन मेट्रिक टन का जो है इस बार गेहूं कम हुआ था पिछले सालों से, हालांकि उससे पिछले साल और इस साल का ज्यादा फर्क नहीं था। पिछला जो साल गया था उसके अंदर मौसम भी ठीक था, प्लस जो है सरसों की बिजान कम थी, तो तब उस टाइम जो है यील्ड भी काफी थी, मौसम ने काफी साथ दिया था, तो उत्पादन पिछले साल काफी ज्यादा हुआ था। इस बार जो है 50 लाख टन उत्पादन जो है कम हुआ है। अब इससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, सरकार का यह कहना है कि ये जो हमने बैन लगाया है इससे खाद्य सुरक्षा को जो है मजबूती मिलेगी। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कोई अल्टरनेट निकालती सरकार ये कहती कि अब क्या होगा, किसानों ने क्या किया, किसानों ने क्योंकि किसानों को रेट अच्छा मिल रहा था, एमएसपी से 100-150-200 ऊपर मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट हाथों हाथ दे रहे थे, जो प्राइवेट व्यापारी थे वो पेमेंट हाथों हाथ दे रहे थे, उस लालच में कोई भी है मैं ऊंचे आप लोग ये चाहोगे कि आज फसल दी आधी पेमेंट मिल जाए तो बेटर है, सरकार की पेमेंट आने में लगभग मान लीजिए एक महीना लग जाता है, उस चक्कर में ब्याज भी किसानों को लग जाता है, तो वो चीजें अपन सारे जानते हैं क्योंकि अपन खुद खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं। सरकार क्या करती, अगर सरकार को वास्तव में किसानों की चिंता होती तो सरकार क्या करती, एमएसपी के ऊपर बाउंस कर देती, चाहे 200 चाहे 300 जितना उनको लग रहा था, कि 2300-2400 के घरों में भाव घूम रहे थे, 84-82 के भाव तेज थे, 2550 के थोड़े तेज थे, 2500 से ऊपर थे, आम भाव 2300 तक थे, तो क्यों ना सरकार 300 रुपए किसानों को बोनस दे के किसानों से गेहूं खरीदती और अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती, फिर कहीं दिक्कत नहीं थी, व्यापारी ले ही नहीं पाते। अब जब व्यापारियों ने गेहूं खरीद लिया है, खरीदने के बाद आप निर्यात के ऊपर रोक लगा रहे हो, ये थोड़ी बात समझ से बाहर थी। खैर गेहूं के अंदर साथियों अब तेजी बनना एक बार थोड़ी टेढ़ी खीर लग रहा है, अच्छी बात, और कल ज्यादा पता लगेगी अपने को गेहूं के बारे में, क्योंकि गेहूं का जो सिस्टम है कल जैसे बाजार चालू होंगे तो उसका रुझान आना शुरू होगा। विनोद जी सारण साहब ने मेरे YouTube चैनल किसान राजा घर का लिंक शेयर किया, भाई वहां भी जरूर जुड़ जाना। तो कल मिलेंगे साथियों 11 से 12 बजे YouTube चैनल किसान राजा घर के ऊपर, कल शाम को यहां चर्चा करेंगे गेहूं के लिए। काफी साथियों के दिन में फोन आए आज, लेकिन गेहूं के बारे में अभी कल पूरी जो है एक क्लैरिफाई कहानी हो जाएगी, क्योंकि जो निर्यात लगाए हैं, जो निर्यात पर रोक लगाई है, उसके क्या क्या बिंदु रहेंगे, क्या क्या चीज रहेगी,
उस चीज़ का जो है हमें कल और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथियों आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर और लाइक करते हैं, उसका भी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे साथियों कल सुबह 11 से 12 बजे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर। कुछ साथी सरसों के बारे में पूछ रहे हैं। साथियों सरसों के अंदर कल कोई बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ सकती, नहीं आ रही है, सिर्फ 200-300 की तेजी बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन रुख ऐसे लग रहा है कि अगले सप्ताह में थोड़ा सा सरसों का जो है मजबूत जो है होना चाहिए। मौसम के बारे में मैंने हालांकि पहले बता दिया था, कुछ साथी फिर पूछ रहे हैं। मौसम दो दिन अगले तापमान जो है कम होना चाहिए ऐसा लग रहा है, और हो सकता है आपको परसों कहीं ना राजस्थान हरियाणा पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आपको बूंदाबांदी भी देखने को मिले। साथियों मिलते हैं साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।